आज मैं आपके साथ ये नींबू के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जो अचार है ये सालों साल खराब नहीं होता। नींबू का छिलका जो है इसमें बिल्कुल भी कड़क नहीं रहेगा, आराम से गल जाएगा इवन की मीठा डालने के बाद भी। और इस अचार में हमने एक भी बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं रेसिपी। हाय एवरीवन, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नींबू के अचार की रेसिपी। और ये 2 किलो नींबू लिए हैं मैंने यहाँ पर। कोशिश करें कि नींबू साफ सुथरे हों, एक्चुअली 2 दिन हो गए हैं इन्हें लिए हुए, तो इसलिए मुझे इसमें से कुछ नींबू जो है वो हल्के से खराब नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको वो दिखा दूंगी कि किस तरह के नहीं होने चाहिए। तो ये 2 किलो नींबू है जिनको की धो लिया है मैंने, और धोने के बाद इस तरह से अच्छे से सुखाना भी है इन्हें। किसी भी किचन टॉवल से आप अच्छे से पोंछ करके इन्हें पंखे के नीचे रख दें। तो मैं पहले इन्हें सुखा लूंगी। और ये जो अचार है ये कई साल तक खराब नहीं होता, और ये अचार एक होम रेमेडी का काम भी करता है। किसी भी तरह का आपके गैस के कारण या किसी भी तरह का पेट में दर्द हो, आपको बदहजमी हो और खाना डाइजेस्ट ना हो रहा हो अच्छे से, तो आप ये अचार का टुकड़ा इसी तरह खा सकते हैं। और उसके बाद जितना पुराना अचार होगा वो उतनी ही जल्दी से दवाई का काम करेगा। तो अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही हो तो भी ये अचार खाया जा सकता है, और रखने के लिए आप 10 साल तक भी रखेंगे तो बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये ऐसी रेसिपी है, मैंने सुखा कर रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने नींबू जो है वो धो करके किचन टॉवल से अच्छी तरह सुखा लिए हैं। आप चाहें तो धूप में रख दें 1 घंटे के लिए। और जो नींबू इस तरह से खराब हो रहे हो इनको बिल्कुल हटा दें, काट कर भी यूज करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज अचार जो है वो खराब हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं हमने बहुत ही साफ सफाई से अचार डाला पर फिर भी अचार इतनी जल्दी खराब हो गया, तो उसका कारण यही है कि हम इस तरह के नींबू को आधा काटेंगे और अचार में डाल देंगे तो वो पूरा अचार खराब कर देगा। तो मैं अब इन नींबुओं से बीज निकाल दूंगी और इनको कट कर लूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कट करूंगी, इनको बिल्कुल अलग कर दूंगी। आप सैलेड वगैरह के लिए इनको काट करके इनका रस यूज कर सकते हैं। तो आइए झटपट से अब हम इनका अचार बनाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। मैं इन नींबुओं को एक थाली में निकाल रही हूँ ताकि अगर ये हल्के बहुत सीले भी हो तो भी ये सूख जाए। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बस एक चीज का ध्यान रखें कि जो आप बाउल ले रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से धो करके सूखे हुए हों, और साथ ही में इसमें कोई अनाज का हाथ नहीं लगा होना चाहिए, ना कोई आटा लगा हो ना कुछ और। देखिए हम नींबू को काटेंगे, तो उसके लिए मैं इसको बीच से हाफ में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको यहाँ से चीरा लगाकर 4 हिस्सों में कट कर सकते हैं, उससे आपको बीज निकालने में प्रॉब्लम होगी, बट मैं जिस तरीके से कट कर रही हूँ वो इस तरह हाफ में इसको सेमी सर्कल में कट कर लेंगे। नींबू को हम हल्का हल्का निचोड़ते जाएंगे जिससे कि सारे बीज इससे निकल जाएंगे और रस भी इस बाउल में आ जाएगा। देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा निचोड़ेंगे इसको, और बस बीज हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि अचार कड़वा ना हो। कई बार बीजों की वजह से अचार कड़वा हो जाता है, तो इसको मैं इस तरह से 2-2 सर्कल्स में कट करते हुए इसके जो सारे बीज हैं वो इस तरह निचोड़ कर हल्का हल्का, पूरा रस नहीं निकालना नींबू का, बस जस्ट हल्का सा इसको निचोड़ना है ताकि बीज बाहर निकल आए। बस हमें ऐसा ही करना है, ये रस भी यूज होगा, बस हम बीज छान देंगे। आप चाहें तो सारे एक बार काट लें, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हम सभी निचोड़ लेंगे, तो जैसे पसंद हो वैसे काट सकते हैं। तो आइए मैं इनको रेडी कर लूंगी। ये देखिए मैंने नींबू जो है उनको काट करके रेडी कर लिया है, सभी नींबू रेडी हैं और बस इतना सा रस और बीज निकले हैं। अब हम पहले अगले स्टेप पर चलते हैं क्योंकि हमें नींबू का छिलका गलाना है। अगर आप बिना छिलका गलाए अचार डालेंगे तो उसे बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है बनने में। तो यहाँ पर हम नींबू को नमक से कोट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम नमक लिया है, और ग्राम्स में देखेंगे तो 250 ग्राम नमक है ये तोलने पर। तो यहाँ पर 2 किलो अचार के लिए 250 ग्राम नमक मैंने डाला है, और ये सेंधा नमक है। अगर आप नॉर्मल नमक ले रहे हैं तो 200 ग्राम ले क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा तेज होता है इसके कंपैरिजन में। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से चला देंगे इस तरह, ताकि जितने भी नींबू हैं वो सब अच्छे से नमक से कोट हो जाएं। अभी हमने इसमें कम नमक का इस्तेमाल किया है, सिर्फ छिलके गलाने के लिए नमक ऐड किया है क्योंकि हम बाद में इसमें गला नमक भी ऐड करेंगे खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर नमक हम ऐड कर रहे हैं। अच्छे से नींबू जो है वो कोट हो जाएंगे नमक से। नमक अचार में प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है, तो इसलिए नमक और चीनी हम ऐड करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। 20-25 दिन में ये अचार पूरी तरह से रेडी हो जाता है। मैंने यहाँ पर कांच का जार लिया है, इसमें हम इन नींबुओं को भर देंगे। तो ये देखिए इसको इस तरह से हम इस जार में डाल देंगे, और अगर आपके एरिया में धूप आती है तो 10 दिन में ये नींबू का छिलका गल जाएगा, और उसके बाद आप जल्दी जल्दी से इसका मसाले डाल करके अचार बना सकते हैं। तो मैं आपको इसके बाद 10 दिन के बाद के रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे एरिया में भी धूप आती है, और अगर धूप ना भी आए तो भी आप 15 से 20 दिन में इसका अचार डाल सकते हैं बहुत आराम से। नींबू नमक के कारण नींबू जो है वो गल जाता है। बस ध्यान रखें जब भी अचार बनाएं तो आपके हाथ जो है वो पूरी तरह से अच्छे से धुले हुए और सूखे हुए होने चाहिए, अदरवाइज आप इसे किसी करछी वगैरह से इसके अंदर डालें। और कोशिश करें कि स्टील की करछी वगैरह का इस्तेमाल ना करें अचार
डालने के लिए, तो और भी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर सभी नींबू अच्छे से डाल दिए हैं, तो अब मैं यहाँ पर अब इसको हम रस को इसमें एक बार छलनी से छान लेंगे ताकि जो इसमें नमक है वो नींबू के रस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए कितने सारे बीज निकले हैं यहाँ पर, तो सारा रस निकाल लेंगे। और अब इस रस को अच्छे से इस तरह से बाउल में हिला करके देखिए इसको इस जार में डाल देंगे। इससे जो नमक है वो अच्छे से कोट भी हो जाएगा और नींबू में रस बन जाएगा खुद ही, इससे रस वाला अचार रेडी होगा। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे टाइटली। यहाँ पर मैंने कांच का मर्तबान लिया है, तो कोशिश करें कि आप भी कांच का ही लें, उससे बहुत ही अच्छा अचार रेडी होता है। इसको एक बार शेक कर देंगे। अब आपको रोज दिन में इसको एक दो बार हिलाना है जिससे ये जल्दी से रेडी हो जाएगा। तो इसको हम 10 दिन के लिए इसी तरह से रख देंगे। और जब भी हम धूप में रखेंगे कोशिश करेंगे कि इस पर कपड़ा बांध दे ढक्कन हटा करके, जिससे धूप से अच्छे तरीके से ये कुक हो सके और इसमें मॉइस्चर ना आए। तो इसको ढक देंगे। तो आइए अब 10 दिन बाद मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने नींबू को जो नमक लगा कर रखा था इसे 15 से 20 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं नींबू का थोड़ा कलर चेंज हो गया है। जो ऊपर ऊपर के नींबू थे उनका कलर चेंज हुआ है, जो रस में डूबे हुए हैं उनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। और साथ ही आप यहाँ पर देख भी सकते हैं हाथ बिल्कुल साफ है, तो इनको आप देख सकते हैं देखिए किस तरह से नींबू टूट रहे हैं, इसका मतलब नींबू पूरी तरह से गल चुके हैं। इसी तरह के हमें रेडी करने थे अचार के लिए। बस इससे नींबू का अचार एक ही महीने में खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि कम दिन के रखूंगी, बट मुझे कोई काम पड़ गया था जिस वजह से मैं ये अचार नहीं डाल पाई। तो 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन के बाद नींबू इस तरह से हैं। हम इनको किसी बाउल में निकाल लेंगे ताकि सभी मसाले मिला सके, और मैं आपको मसाले भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने मसाले लिए हैं वो है ये, इसमें है 3 बड़े चम्मच अजवाइन, 3 बड़े चम्मच ही जीरा है, साबुत जीरा लिया है हमने, इसे कोई भूना नहीं है, बस इसी तरह से अकेला जीरा है। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच काला नमक है, काला नमक जरूर डालें क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया रहता है नींबू के अचार में। ये दवाई का काम करता है, पेट दर्द के लिए भी अगर आप इस नींबू के अचार का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी रिलीफ देता है गैस वगैरह के लिए। यहाँ पर है देगी मिर्च, सिर्फ कलर के लिए यूज किया हमने 1 टेबल स्पून, आप चाहें तो टोटली अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा होममेड गरम मसाला लिया है मैंने, यहाँ पर 2 चम्मच के करीब डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। और बाकी हम इसमें डालेंगे मीठा। तो मैं यहाँ पर देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देसी खांड की जगह पर चीनी भी डाल सकते हैं पिसी हुई, या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं पीस करके। तो मैं 1/2 किलो डालूंगी इस अचार में। इनको मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर एक बाउल का इस्तेमाल करूंगी जिससे कि जल्दी से सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये बाउल पूरी तरह से सूखा है और कांच का है, मेटल का बाउल ना यूज करें क्योंकि अचार खट्टा होता है। फिर मेटल के बाउल में निकालने के बाद आप उसे दोबारा से बर्नी में डालेंगे तो वो खराब होने का डर रहता है। आप बर्नी में डायरेक्टली भी मसाले डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नींबू का अचार निकाल लूंगी जो हमने नमक लगा कर रखा था, और इसको मिक्स करने के लिए हम किसी लकड़ी के चम्मच का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसे कम दिन के लिए रखेंगे तो इतना ज्यादा कलर चेंज नहीं होगा, तो घबराए नहीं। अगर बहुत ज्यादा कलर चेंज ना हो, नींबू कुछ इस तरह के पीले पीले दिखे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है। बस छिलका हल्का गल जाना चाहिए, कि चीनी डालने के बाद छिलका मुश्किल से गलता है और टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है, इसलिए हमने नमक लगा करके नींबू को रखा था। और इस तरीके से बनाएंगे तो नींबू का अचार जो है वो 100 साल भी रखेंगे तो खराब नहीं होगा। ट्रस्ट मी, मेरी नानी जो है वो बनाती थी इस तरीके से और अचार कभी खराब नहीं होता था। तो अब हम इसमें सभी चीजें ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ काला नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है मैं आपको फिर से बता रही हूँ। यहाँ पर जीरा और अजवाइन जो है वो जरूर डालें क्योंकि उससे ही जो टेस्ट भी आता है और खुशबू भी आती है नींबू के अचार की। और इनको एक बार मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही आप इसमें चीनी डालेंगे तो नींबू रस के साथ जब चीनी मिलेगी तो वो हल्का हल्का पानी छोड़ने लगती है, यानी कि चीनी जो है पिघलने लगती है। तो बिल्कुल नॉर्मल चीज है वो, और उसी से अचार बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व भी हो जाता है। और चीनी जो है वो हमेशा पीस करके डालें, साबुत डालेंगे उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसमें घुलने में, तो इसलिए पीस करके इस्तेमाल करें। और देसी खांड जो है वो ऑलरेडी पीसी हुई होती है, तो मैं इसमें ये 1/2 किलो देसी खांड जो कि मेजर करने पर लगभग 2 से 2.5 कप है वो डाल दूंगी। अचार इतना अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि अगर आप इसको किसी को खिलाएंगे तो वो ट्रस्ट में आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि चीनी भी सारे में मिक्स हो जाए और मसालों का भी टेस्ट सारे में आ जाए। बस इसे 3 से 4 दिन अगर आप धूप में रखेंगे तो ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि नींबू ऑलरेडी गले हुए हैं और इस पर खुद ही एक शाइन आ जाएगी और इसमें आपको कोई भी ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए 2-3 मिनट में ही किस तरह से चीनी जो है वो डिजोल्व होने लगी है और अचार पर आप देख सकते हैं कोटिंग होने लगी है, और अभी तो ये पूरी तरह डिजोल्व भी नहीं हुई। तो हम इसको दोबारा से जार में भर देंगे और इसको 2-3 दिन के लिए धूप में रख देंगे, और अगर धूप ना आती हो तो इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर रख दें, बहुत ही आराम से रेडी हो जाएगा।
अचार जो है मैं इसको इसमें भर दूंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे सेम जार में फिल कर लिया है। अब हम इसे 2-3 दिन की धूप दिखाएंगे, उसके बाद ये अचार रेडी हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि अचार कैसा बना है। तो इसको कवर कर देंगे और धूप में रखते हुए इस पर कपड़ा बांध कर ही रखूंगी ताकि धूप पास हो सके और जिसमें हमने देसी खांड डाली है वो पूरी तरह से अचार में फ्लेवर रच बस जाए। तो इसको हम 3-4 दिन बाद चेक करेंगे। यहाँ पर अचार जो है रेडी हो गया है, इसे 3-4 दिन हो चुके हैं और चीनी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरह से लिक्विड हो गया है। ये देखिए अचार कुछ इस तरह का बन करके रेडी हुआ है। तो चीनी पिघलते ही ओवरफ्लो होने लगा था, तो थोड़ा सा अचार मैंने इसमें अलग से जार में निकाल दिया था। तो मैं अचार आपको निकाल करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह का रसीला खट्टा मीठा अचार बन करके रेडी हुआ है। आप टेक्सचर देख सकते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक भी बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं होता और अचार बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। सालों साल भी रखेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और टेस्ट तो इतना लाजवाब है कि आप जिस चीज के साथ खाना चाहें उसके साथ खा सकते हैं। आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए अचार बन करके रेडी है। तो ये देखिए आप भी इस अचार को ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये नींबू का अचार कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस अचार का यूज आप खिचड़ी दाल चावल किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं। और अगर नमक अजवाइन की पूरी बनाएंगे या परांठा बनाएंगे तो उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। ट्राई जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।